आइए हम ऊंचे स्वर में परमेश्वर की महिमा करें। आप सबको जय मसीह की, प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए, आज के इस भोर के प्रकाश के लिए। खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबके जीवनों में दी है। प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रतिदिन का आनंद लो। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक भाई ने हमें बताया कि 6 साल से उनके पेट में दर्द था और उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ भी ली परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। इलाज करवाया परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा, वो दर्द लगातार उनके पेट में बना रहा। परंतु उन्होंने बताया कि जब से उन्होंने प्रार्थना सुनना शुरू किया है और प्रार्थना करना शुरू किया, तब से उनके पेट का दर्द बिल्कुल गायब हो गया है। अब वो बिल्कुल स्वस्थ और ले चंगे हैं और किसी भी प्रकार का दर्द अब उनके पेट में नहीं है। मेरे प्रियो, अब वो भाई बिल्कुल स्वस्थ हैं और भले चंगे। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और लाबान ने याकूब से कहा कि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। उत्पत्ति और उसके 30 अध्याय में हम लोग देख रहे हैं कि याकूब जब अपने पिता के घर से निकल गया तो परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उसके बाद वो और आगे निकल गया। वहां वो अपने माँ के भाई के पास पहुंचा जिसका नाम लाबान है। और जब याकूब लाबान के घर में था तो लाबान के यहाँ याकूब ने बहुत कठोर मेहनत की, वहां उसकी शादी भी हो गई और उसके बच्चे भी हुए। जब यूसुफ का जन्म हो गया तब याकूब ने सोचा कि मैं अपने पिता के घर वापस चला जाऊंगा और याकूब लाबान के पास गया और लाबान से कहने लगा कि मुझे मेरे पिता के घर जाने दे। तब लाबान ने कहा कि मैंने देखा है कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है, इसलिए तू यहां से मत जा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने याकूब के कामों पर आशीष दी। याकूब ने जिस काम पर भी हाथ लगाया, परमेश्वर ने उस काम पर याकूब को आशीष दी। जिस आशीष के कारण लाबान की भेड़ बकरियां धन संपत्ति बहुत अधिक बढ़ गई। जब याकूब लाबान के पास आया था तब उसके पास इतनी धन संपत्ति भेड़ बकरियां नहीं थी, परंतु याकूब की मेहनत के कारण और परमेश्वर की आशीष के कारण अब लाबान के पास बहुत सारी भेड़ बकरियां, गाय, बैल और धन संपत्ति हो गई है। इसलिए लाबान उसे नहीं जाने दे रहा है। इसलिए लाबान याकूब को कह रहा है कि तू यहीं रुक जा क्योंकि परमेश्वर तेरे कारण मुझे आशीष दे रहा है। मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप भी याकूब की तरह एक आशीषित व्यक्ति हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को आशीषित किया, उसी प्रकार से आप भी उसी आशीष के वारिस हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपको आशीषों का वारिस ठहराया है। आपके अंदर भी आशीषें हैं। परमेश्वर ने आपको आशीषों का वारिस होने के लिए बुलाया है। मेरे प्रियो, इसका मतलब परमेश्वर आपके हाथ के कामों पर भी आशीष देगा। आप जो भी काम करेंगे परमेश्वर उसमें आपको आशीष देगा। आप जिस घर में भी होंगे परमेश्वर उस घर के सभी लोगों को आशीष देगा। आप जिसके यहां भी काम करते हैं प्रभु उसके काम में भी आशीष देगा। आप जिसके यहां भी जॉब करते हैं परमेश्वर उसको भी आशीषित करेगा, यानी कि आपसे जुड़े हुए लोगों को भी परमेश्वर आशीषित करेगा। आपके कारण लोग, आपके कारण आपका परिवार, आपका घराना, आपके रिश्तेदार, आपके जॉब करने की जगह, हर एक आशीषित होगा। मेरे प्रिय, हो सकता है आज आप कठोर मेहनत कर रहे हो और आप मेहनत कर रहे हो, परंतु आज सुबह में आप मेहनत कर रहे हो और आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपको आपकी मेहनत का प्रतिफल देंगे। जिस प्रकार से परमेश्वर ने याकूब की मेहनत का प्रतिफल उसे दिया, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी आपकी मेहनत का प्रतिफल देंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको आपकी मेहनत का प्रतिफल देंगे। आप आज कठोर मेहनत कर रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, परंतु मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो आप आशीषों के वारिस हैं और प्रभु आपको आशीषित करेंगे। आपके हार्ड वर्क पर परमेश्वर, आपके कठिन परिश्रम पर आशीष देगा और आपको सफल बनाएगा। आपको उस
परिश्रम का, आपको उस परिश्रम का परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे। जिस प्रकार से यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने याकूब को उसके कठिन परिश्रम का प्रतिफल दिया कि वो आशीषित हुआ और लाबान भी आशीषित हुआ, उनकी भेड़ बकरियां धन संपत्ति अधिकाई से बढ़ने लग गई। उसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी आशीषित करेगा, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके घर परिवार में, आपकी पढ़ाई में, हर एक फील्ड में जो भी काम आप करते हैं उसमें परमेश्वर आपको सफल करेगा, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा और आपको आशीषित करेगा। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी कि सच में मार्ग सत्य और जीवन आप है मेरे यीशु राजा, आप अनंत जीवन के द्वार हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप भेड़ों के चरवा हैं लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। रात भर में मीठी और सुकून भरी नींद देकर आज का नया दिन हमारे जीवनों में दिया, आज की सुंदर सुबह हमें दिखाई प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमारी आंखों ने प्रभु जब दृष्टि की तो प्रभु सुबह का प्रकाश हमने देखा प्रभु, ये आपका अनुग्रह है पिता। मेरे प्रभु आप तेजस्वी राजा है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हम अपने आप को आज की सुबह में शून्य करते हैं प्रभु जी, दीन करते, नम्र और छोटा करके आपके समीप आते परमेश्वर, अपने खाली मनों को लेकर आते लॉर्ड फादर। आज की सुबह में हम सबको अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, आपके उस पवित्र प्रेजेंस को हम फील करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट, आप हमारे साथ में आज की सुबह में प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। होली स्पिरिट आप हम में होकर प्रार्थना करें, आत्मा और सच्चाई से हमें यीशु पिता की उपस्थिति में बैठने में सहायता और मदद करें। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आप अब्राहम याकूब और इसहाक के परमेश्वर हैं, आप हमारे प्रभु हैं, आपने हमें अपने लहू के दाम देकर खरीदा है, अपना बेटा और बेटी हमें आशीषों का वारिस बनाया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। हमारे जीवन को आशीषित करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। विशेषकर हम प्रार्थना करते आज के दिन में इन भाई बहनों के लिए प्रभु जो प्रार्थना में बैठे हैं प्रभु, अपने परिवार के संग में प्रभु, आपकी उपस्थिति इनके परिवार में हर एक जन के संग में होने पाए, छोटे बच्चों के संग में, नौजवानों के संग में प्रभु जी, बहनों के संग में, भाइयों के संग में, इनके घर के बुजुर्गों के संग में प्रभु आपकी उपस्थिति होने पाए। मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आज का जो वचन इनके कानों ने सुना है या अपने जीवन में आपके वचन के अकॉर्डिंग चलने पाए परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आज के दिन में आप इन भाई बहनों को अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी, आज के दिन में आप इनके हर एक काम सफल करें और प्रभु जो कुछ भी आज के दिन में इनकी प्लानिंग्स हैं मेरे प्रभु, उन प्लानिंग्स को आप सक्सेसफुल होने में मदद करें। आज के दिन में आप इन्हें सफल करें, बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य दें, नौजवानों को अच्छा स्वास्थ्य दें, बुजुर्गों को अच्छा स्वास्थ्य दें, दुर्घटनाओं, खतरे, मुसीबतों से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें प्रभु। आपके सुरक्षा दायरे में हम इन भाई बहनों को, इनके परिवार को रखते परमेश्वर। विशेषकर धन्यवाद करते प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु, ये वचन प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में प्रैक्टिकली वर्क करे पिता। जो भाई बहन अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा मेहनत करे परमेश्वर, अपने जॉब के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने घर परिवार के लिए प्रभु, अपने जीवन में सब कुछ अच्छा करने के लिए प्रभु मेहनत कर रहे परमेश्वर, कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, एजुकेशन में अच्छा होने के लिए मेरे प्रभु, जो भाई बहन मेहनत कर रहे प्रभु यीशु मसीह, उनकी मेहनत पर प्रभु आप आशीष दें मेरे खुदावन। जिस प्रकार आपने याकूब की मेहनत पर आशीष दिया प्रभु, और मेरे प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते प्रभु, जिस प्रकार याकूब के द्वारा लाबान पिता परमेश्वर आशीषित हुए प्रभु, उसी प्रकार इन भाई बहनों के जीवन से परमेश्वर ये जहां कहीं भी कार्य करते हैं, जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि घर में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं प्रभु, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, जहां कहीं भी ये काम करते प्रभु जी, उस एरिया में परमेश्वर, उस काम में परमेश्वर पिता आप आशीष दे मेरे पिता, मेरे प्रभु की, जिस प्रकार प्रभु आपने याकूब के द्वारा प्रभु लाबान को आशीषित किया, उसी प्रकार इस भाई इस बहन के द्वारा प्रभु जितने भी जिस भी जगह में ये काम करते प्रभु, वहां पर प्रभु ये आशीष का कारण ठहरने पाए पिता, क्योंकि हम सब प्रभु आशीषों के वारिस है। ये भाई, ये बहन, इनके बच्चे, इनका परिवार प्रभु आशीषों का वारिस है प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर लॉर्ड फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि प्रभु यदि ये किसी के घर में रहते हैं परमेश्वर, यदि प्रभु स्टडीज के लिए कहीं बाहर गए प्रभु, ये जिस भी क्षेत्र में है प्रभु,
यीशु के नाम से प्रभु उस एरिया में प्रभु ये दूसरों के लिए भी आशीष का कारण होने पाए परमेश्वर, क्योंकि इनके अंदर आप वास करते हैं, ये आपके बेटे और बेटियां हैं, इनके अंदर आपका पवित्र लहू है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हाँ होने दे प्रभु इन भाई बहनों के जीवन के द्वारा प्रभु जी, इनके भले आचरण के द्वारा प्रभु लोग पिता परमेश्वर आपके नाम को जाने, इनके अंदर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रकट होने पाए प्रभु, और जब लोग इन्हें देखे तो प्रभु वो तुझे देखे परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद करते प्रभु। जो कुछ भी ये परिश्रम कर रहे प्रभु अपने जीवन में, जिस भी बात के लिए परिश्रम करते हैं मेरे प्रभु, आप उसका प्रतिफल इन्हें दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु। हम दुआ करते प्रभु यीशु मसीह की हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक अपने परिवार के लिए आशीष का कारण होने पाए। यदि अपने घर में प्रभु एकमात्र विश्वासी हैं, अकेले विश्वासी हैं प्रभु, हम दुआ करते इनके द्वारा इनका घराना आशीषित होने पाए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते आज की सुबह में जितने भी भाई बहन हमें कमेंट्स करें प्रभु जी, हम उनके निवेदनों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। जब ये बहन ये भाई अपने निवेदनों को दे रहे हैं प्रभु जी, अपने परिजनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए प्रभु जी, अपने मैरिज के लिए, अपने फैमिली लाइफ के लिए, अपनी बीमारियों के लिए प्रभु, होने दे आप इनकी सुधि लेकर, इनके प्रार्थना का उत्तर देकर इन्हें आशीषित करें मेरे पिता। धन्यवाद करते प्रभु। हम दुआ करते आपकी आशीषें इन भाई बहनों के जीवन में आए परमेश्वर, क्योंकि हर एक उत्तम आशीष आपकी ओर से मिलती है। जो बहने प्रभु अपने संतान के लिए प्रार्थना कर रही है प्रभु, आप उन्हें संतान की आशीष दें। जो भाई बहन अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप उन्हें लाइफ पार्टनर की आशीष दें प्रभु। हम दुआ करते आज की सुबह में जो कुछ भी इनकी आवश्यकताएं हैं प्रभु यीशु मसीह, इनकी आवश्यकताओं को आप आज के दिन में पूरा करें मेरे प्रभु। हर एक कर्जे से, हर एक गलत बातों से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें, विशेषकर इस कोरोना वायरस से आप प्रोटेक्ट करें आज के दिन में प्रभु। इनके हर एक योजना, हर एक काम सफल होने पाए। हम दुआ करते प्रभु कि आप प्रभु यीशु मसीह जो बीमार है आज की सुबह में, आप उन्हें प्रभु स्वस्थ भला चंगा करके प्रभु उनके जीवन में बड़ी गवाहियों को दें प्रभु जी। जो बच्चे बीमार हैं, यदि उन्हें फीवर है, छाती में गले में दर्द है प्रभु, बच्चे चंगे हो जाएं। जो नौजवान बीमार है पिता, हेयर फॉल प्रॉब्लम, पिंपल्स प्रॉब्लम, एलर्जीज, नाना प्रकार की बीमारी से पीड़ित है प्रभु, वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम से मेरे प्रभु। जो बुजुर्ग बीमार है हड्डियों के दर्द से प्रभु जी, और नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। धन्यवाद प्रभु। जिन्हें शुगर, थायराइड और बीपी की बीमारी है प्रभु, यीशु के नाम से वो बीमारी नष्ट हो जाए। जिन्हें कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, एलर्जीज, इन्फेक्शंस हैं, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं प्रभु। जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है, उनके हार्ट हील हो जाएं। जिन्हें किडनी प्रॉब्लम है, उन्हें किडनी हील हो जाए। जिनके लंग्स प्रॉब्लम है, उनके लंग्स हील हो जाए प्रभु जी। जिनके पेट से रिलेटेड समस्या है, उनका पेट चंगा हो जाए यीशु के नाम से। जिन्हें ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनका ब्रेन हील होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद। सर से लेकर पैरों तक आप इन्हें चंगा करें मेरे प्रभु। हर एक भाई बहन जो प्रभु जिन्हें भूलने की बीमारी है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रभु आप उस भूलने की बीमारी को दूर करें, आप उनकी मेमोरी को शार्प करें परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु। जिन्हें प्रभु हेयर फॉल की बीमारी, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आप उनके हेयर फॉल प्रॉब्लम को दूर करें परमेश्वर पिता। प्रभु जिन्हें स्किन एलर्जीज है, स्किन डिजीज है प्रभु, उनके स्किन डिजीज को आप हील करें परमेश्वर पिता। जिन्हें प्रभु फोड़े फुंसियों की बीमारी, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। धन्यवाद करते प्रभु, आपने छुआ और चंगा किया आज के दिन में। आपकी आशीष, आपके अद्भुत काम प्रभु इनके जीवन में होने पाए प्रभु। याकूब के समान प्रभु आप इन्हें आशीषित करें, क्योंकि ये भाई ये बहन इनका परिवार आशीषों का वारिस है। धन्यवाद प्रभु। जिस भी आशीष की कमी इनके जीवन में, उन आशीषों को आप इनके जीवन में दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।